भोपाल के गांधीनगर के रहवासी गुरुवार की शाम उस समय भौचक्के रह गए जब उन्हें तेजी के साथ सड़क पर दौड़ता एक हिरण दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि यह हिरण पास ही के किसी ग्रामीण इलाके से आ गया था। भोपाल की सड़कों पर दौड़ते ट्रैफिक को देखकर हिरण में भी जोश आ गया और उसने भी ट्रैफिक के साथ साथ दौड़ लगा दी। बाद में यह हिरण गांधीनगर थाने के पास तक पहुंच गया और उसके बाद एक दूध की डेयरी में जाकर आराम करने लगा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल वन विभाग के अमले को दी और अमले ने आकर हिरण को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया और उसे वापस जंगल में छोड़ दिया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। भोपाल के गांधीनगर के रहवासी गुरुवार की शाम उस समय भौचक्के रह गए जब उन्हें तेजी के साथ सड़क पर दौड़ता एक हिरण दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि यह हिरण पास ही के किसी ग्रामीण इलाके से आ गया था। भोपाल की सड़कों पर दौड़ते ट्रैफिक को देखकर हिरण में भी जोश आ गया और उसने भी ट्रैफिक के साथ साथ दौड़ लगा दी। बाद में यह हिरण गांधीनगर थाने के पास तक पहुंच गया और उसके बाद एक दूध की डेयरी में जाकर आराम करने लगा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल वन विभाग के अमले को दी और अमले ने आकर हिरण को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया और उसे वापस जंगल में छोड़ दिया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। भोपाल के गांधीनगर के रहवासी गुरुवार की शाम उस समय भौचक्के रह गए जब उन्हें तेजी के साथ सड़क पर दौड़ता एक हिरण दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि यह हिरण पास ही के किसी ग्रामीण इलाके से आ गया था। भोपाल की सड़कों पर दौड़ते ट्रैफिक को देखकर हिरण में भी जोश आ गया और उसने भी ट्रैफिक के साथ साथ दौड़ लगा दी। बाद में यह हिरण गांधीनगर थाने के पास तक पहुंच गया और उसके बाद एक दूध की डेयरी में जाकर आराम करने लगा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल वन विभाग के अमले को दी और अमले ने आकर हिरण को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया और उसे वापस जंगल में छोड़ दिया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।